आज है 8 अगस्त 2022, और 8 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, इस पुस्तक को किसने लिखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त दास। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, इस पुस्तक को संयुक्त दास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाव में नहीं बल्कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बनेगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर लंबी होगी और चौड़ाई 200 मीटर होगी। यह एक कार मुक्त शहर होगा जो 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा और अपने निवासियों को एक अधिक प्रदूषित दुनिया में स्वच्छ हवा प्रदान करेगा। सऊदी अरब के बारे में जानकारी, सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री शेख सलमान है। नियोम सिटी प्रोजेक्ट को सऊदी अरब देश शुरू करेगा। सऊदी अरब की संसद का नाम मजलिस अल सूरा है। सऊदी अरब की सबसे लंबी नदी का नाम वादी अल रुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में पहली बार भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्गिम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने अंतरराष्ट्रीय खेल 2022 के फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अगस्ते तानो कोमे। अगस्ते तानो कोमे भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख बने हैं जिन्होंने जुनेद कमल हसन अहमद का स्थान लिया है। विश्व बैंक के बारे में जानकारी, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। इसके CEO अंशुला कांत है। पिछली टॉप अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल बने हैं। भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त मोहम्मद मुस्तफिर रहमान बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष अलवारो लारियो बने हैं। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्था के नए अध्यक्ष सतीश पाई बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्था ने अनुसंधान और विकास कार्यों पर सहयोग करने के लिए किस भारतीय सशक्त बल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना। इस समझौते ज्ञापन के तहत दोनों के बीच डिजाइन और शिक्षा प्रौद्योगिकी सहित एरोस्पेस वैमानिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिन विशेषताओं पर ध्यान दिया जाएगा उनमें प्रणोदन और प्रणोदन प्रणाली, इस्पात प्रौद्योगिकी, सामग्री विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग शामिल है। इंडियन नेवी के बारे में जानकारी, इंडियन नेवी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख RR कुमार है। मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देशों के बीच आयोजित हुआ है। INS कनरज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG को DRDO और भारतीय सेना ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ
गेम 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेजस्विन शंकर। पुरुषों की हाई जंप इवेंट को फाइनल में भारत के हाई जंपर तेजस्वी शंकर ने 2.22 मीटर से जंप के साथ कांस्य पदक जीता है। आयोजक स्थल इसका बर्गमिन इंग्लैंड, संस्करण 22वां है। शुभारंभ पेरी द बुल, आदर्श वर्ग गेम्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक हर 2 साल में एक बार होता है या रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है? पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका के लगभग 100 विमान और 250 सैन्य कर्मी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सशस्त्र बल की सर्व महिला विमान चालक दल ने पहली बार उत्तरी अरब सागर में आत्मनिर्भर होकर टोही एवं निगरानी मिशन को पूरा किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना। डोर्नियर 228 विमान पर सवार नेवल एयर एक्सेल पोरबंदर में स्थित भारतीय नौसेना INS 314 की 5 अधिकारियों ने उत्तरी अरब सागर में पहली बार आत्मनिर्भर होकर समुद्री टोही और निगरानी अभियान को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निर्देशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्वेता सिंह। श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय, इसको PMO बोलते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित भारत के 49वें न्यायाधीश बनेंगे। उदय उमेश ललित NB रमना का स्थान लेंगे। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। इसके बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्रश्न जुड़े हुए, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वर्तमान वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ में से किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।